आज की इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा 5G वाईफाई नॉट शोइंग अप एंड्रॉयड, हाउ टू कनेक्ट 5G वाईफाई ऑन 4G एंड्रॉयड। आपके पास 4G मोबाइल है, ठीक है, और आपके पास दूसरा 5G मोबाइल है, उससे हॉटस्पॉट कनेक्ट करके अपने 4G मोबाइल के अंदर 5 GHz की वाईफाई को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आज की इस वाले वीडियो में आपको यही बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो फ़ोन है हमारा, ये सैमसंग का फ़ोन है, ठीक है, इसमें 5G सपोर्ट है, लेकिन ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन जो चला रहे हैं, ये है रियलमी का, ठीक है, रियलमी C12 मोबाइल। इसमें क्या है, ये 5G सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं इस वाले फ़ोन में, यानी कि ये जो फ़ोन हमारे पास है, ये वाला जिसका नाम है F23, ठीक है, सैमसंग का, ये 5G सपोर्ट है, इससे मैं कनेक्ट करता हूँ इसमें 5G, ठीक है। तो आपको कैसे उसे सपोर्ट करवाना है, आज की इस वाली वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाए। तो चलिए बताते हैं। तो जैसा कि इस फ़ोन में मेरा 5G चलता है, ठीक है, अभी तो यहाँ पे 5G नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं अभी गांव में आया हुआ हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, तो वहाँ पे 5G चलता है, ठीक है। तो देखो, ये इसमें 5G चलता है, तो इसे हम इसमें कनेक्ट करेंगे 5 GHz से। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, ये देखो हॉटस्पॉट का एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना, दबा के रखना है, इस तरीके से खुल जाएगा। तो ये देखो 2.4 GHz का इस तरीके से ऑप्शन मिलता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो इस तरीके से है, तो ये 5 GHz इस तरीके से प्रेफर्ड इस तरीके से आएगा, तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। देखो बहुत से फ़ोनों में ये नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये जो 4G फ़ोन है, बहुत से 4G फ़ोन हैं जिनमें आ जाता है, और बहुत से 4G फ़ोन ऐसे हैं जिनमें नहीं सपोर्ट करता है। जैसे कि इसमें तो दिखा रहा है सैमसंग के फ़ोन में, लेकिन इस वाले 4G फ़ोन में नहीं दिखा रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अभी आपको मैं पर्सनल हॉटस्पॉट पे लॉन्ग प्रेस करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप AP बैंड है, ये इसमें क्या है कि यहाँ पे 2.4 GHz बैंड ही सिलेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ये पहले से ही है। अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो शायद आ सकता है 5 GHz। जैसे कि मेरा रियलमी का 8 फ़ोन है, उसमें 5G GHz है, ठीक है, लेकिन वो 4G फ़ोन है। तो आपके फ़ोन के अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आए तो आ सकता है वो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो लेता हूँ, बेटा वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। जय हिंद।